everyone, welcome back to our channel Hypercademy. My name is Mohammed Sameer. अगर आप पहली बार YouTube चैनल पे आए तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते से मैं कुछ एनालिसिस नहीं दिया हूँ निफ्टी पे और निफ्टी बैंक पे। क्यों एनालिसिस नहीं दिया ये आपको पता है, क्योंकि मैं अपने पिछले हफ्ते के वीडियो में मैं आपको अपडेट दिया था कि जब तक हमारा निफ्टी फिफ्टी ये वाला लेवल नहीं करता मैं प्रॉपर सेलिंग नहीं देता। अगर ये वाला लेवल ट्रेड करना चालू हो गया तो दोस्तों हम लोगों को शार्प सेलिंग ही देखने को मिलेगा और मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, जिधर मार्केट के अंदर बायर ट्रैप हो सकते हैं। और मैं आपको अपने हर वीडियो के एनालिसिस में बता रहा हूँ, कभी भी मार्केट साइडवेज जाता है, साइडवेज होता है मार्केट, अगर इस साइडवेज मार्केट में कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देता है तो मार्केट ट्रेंडिंग रहता है, मार्केट उस कैंडल के नीचे क्लोजिंग देता है तो मार्केट ट्रेंडिंग रहता है, ये पुट साइड ट्रेंडिंग रहता है, ये कॉल साइड ट्रेंडिंग रहता है। एंड ये भी साइडवे मार्केट है, हेड लेवल ब्रेक किया मार्केट ट्रेंडिंग, साइडवे मार्केट है ये पूरा, साइडवे कंप्लीट साइडवे मार्केट है, जैसे ये ऊपर का लेवल ब्रेक किया मार्केट ट्रेंडिंग। मेरा बोलने का मतलब ये है कि कब कब मार्केट साइडवेज होता है, मार्केट में ट्रेंडिंग का रैली आता है, क्या आता है, ट्रेंडिंग का रैली आता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कभी भी आप मार्केट में काम करना चाहते हो, अगर मार्केट साइडवेज जा रहा है एक हफ्ता ट्रेड मत करो, कुछ नहीं होगा, पर एक हफ्ते में अगर कैपिटल पूरा वैनिश हो गया तो दोस्तों समझो आपके पास कुछ नहीं रहेगा और खोने के लिए। तो मैं सिंपली आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगले हफ्ते हम लोग जो ट्रेड करेंगे वो ट्रेड जो होगा दोस्तों टोटली पुट साइड ट्रेड होगा। क्या होगा? पुट साइड ट्रेड होगा। तो पुट साइड ट्रेड कैसा हम लोग लेके चले मैं वो बात आपको आज सिखाने वाला हूँ दोस्तों। एंड आज मैं 1 आवर और 4 आवर्स का भी कैंडल चार्ट एनालिसिस करूंगा। 4 आवर्स के बेसिस पे दोस्तों मार्केट में एक चैनल चल रहा है ट्रेंड का, ठीक है, और उसके बाद ये ट्रेंड लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा, दिख रहा है, ये ट्रेंड लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा। और निफ्टी फिफ्टी के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, वो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है दोस्तों वो वाला ये है, ये लेवल 19327। अगर ये वाला लेवल हमारा निफ्टी 50 ब्रेक कर दिया, निफ्टी 50 ब्रेक कर दिया तो समझो ज्यादा से ज्यादा सेलिंग देखने को मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा सेलिंग देखने को मिलेगा। अभी 15 मिनट के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 15 मिनट के हिसाब से लेवल्स क्लियर दे रहा है। कैसे लेवल्स क्लियर दे रहा है? ये ब्रेकडाउन, याद रखो ये ब्रेकडाउन फाइनल, यहाँ से 19636 का एक ब्रेकडाउन है, दिखा, उसके बाद ये ब्रेकआउट है और ये ब्रेकआउट लेवल को हमारा निफ्टी फिफ्टी ब्रेक ही नहीं कर पाया, दिख रहा है आपको, ब्रेक कर ही नहीं पाया। दूसरी बात, ये तो ब्रेक नहीं कर पाया, इसका तो खैर बात छोड़ो, अभी जब ये ब्रेक नहीं कर पाया, नहीं करते हुए हमें सेलिंग इंडिकेट दे रहा था, जब ये हमें हमारे प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल के पास आके रुका एंड इसके ट्रेडेड वैल्यू के पास आके, इसका इंडिकेशन क्या है? इसका इंडिकेशन यही है कि यहाँ पे अगर लेवल हेविली ब्रेक हो रहा है, हेविली ब्रेक हो रहा है तो शार्प सेलिंग कंटिन्यू होगा, पर निफ्टी 50 में जो भी सेलिंग आएगा वो सेलिंग का सपोर्ट ये रहेगा। अगर ये वाला लेवल ब्रेक हो गया तो ही सेलिंग, वरना मार्केट मैं मंडे के दिन इम्प्रॉपर बाइंग देख रहा हूँ, बाइंग ही है पर साइडवेज इम्प्रॉपर बाइंग है। तो मेरा सजेशन है लेवल्स पे बैठो, लेवल्स पे काम करो दोस्तों। तो यही था मेरा अपडेट निफ्टी 50 पे। अगर आपको इंडेक्स का एनालिसिस समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।